Hi, this is Kailash and welcome again to my YouTube channel. So here is question number 1 of exercise 7.2. In an isosceles triangle ABC with AB is equal to AC. Isosceles triangle means दो साइड इक्वल होंगे. AB और AC में दो साइड इक्वल दे रखी है. So the bisector of angle B and angle C intersect each other at O, join A to A and show that. हमें शो करना है, हमें डायग्राम बनाना है सबसे पहले तो. एंड फिर क्या शो करना है, ओ बी इक्वल टू ओ सी. सबसे पहले हम डायग्राम बना लेते हैं, फिर उसके अकॉर्डिंग देखते हैं. सो हमें क्या दे रखा है, आइसोसेल्स ट्रेंगल है हमारी ए बी सी. ओके, तो हम एक ट्रेंगल बनाएंगे जिसके अंदर दो साइड हमारी इक्वल होंगी, ए बी और ए सी. सो यहाँ पे बनाते हैं हम. सो ये हमारी ट्रायंगल होगी ए बी सी, इसका नाम दे देते हैं ए बी और सी. नेक्स्ट क्या है, द बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी एंड सी. एंगल बी ए और एंगल सी ए, इन दोनों का हमें बाइसेक्टर बनाना है जो इंटरसेक्ट करेगा इस अदर एट ओ, जो ओ पे इंटरसेक्ट करेगा. फिर ए टू ज्वाइन ए टू ओ, फिर ए से ओ को ज्वाइन कर देना. मीन्स यहाँ पे हमें इसका ओ पॉइंट लेना है जो इसका बाइसेक्टर होगा. इन दोनों का बाइसेक्टर होगा तो दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा एंगल बी और सी को. अब ये पॉइंट ओ जाएगा और इसको ए से ज्वाइन कर देते हैं. ये हो गया हमारा पॉइंट ओ. ओके, सो स्टार्ट करते हैं. हमें क्या शो करना है इसके अंदर, ओ बी इक्वल टू ओ सी. ओ बी और ओ सी ये दोनों साइड हमें इक्वल प्रूव करनी है. मीन्स ओ बी सी को हमें क्या करना है, आइसोसेल्स ट्रायंगल प्रूव करना है. फिर ये दोनों हमारी क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी दोनों साइड. सो स्टार्ट करते हैं हम. सबसे पहले जो देर का हमें वो स्टार्ट करते हैं, पहला पार्ट करते हैं पहले. गिवन में हमें क्या देर का, ए बी इक्वल टू ए सी. सो लिखेंगे ए बी इज इक्वल टू ए सी गिवन. एंड सेकेंड, अगर हमारा ए बी ये दे रखा है ना, ए बी ए सी, अगर ए बी और ए सी दोनों इक्वल हैं हमारी, तो एंगल हमारा इन दोनों के अपोजिट एंगल, जो एंगल ए बी की अपोजिट एंगल एंगल सी और ए सी के अपोजिट एंगल बी ए, वो हमारा इक्वल हो जाएगा. क्योंकि हमने अभी लास्ट वीडियो में हमारी थ्योरम की थी ना अभी, कि एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड आर इक्वल. सो वही थ्योरम हम इसमें लिखेंगे. सेकेंड लिखेंगे एंगल ए सी बी, इस वाले एंगल को इस वाले एंगल के इक्वल कर देंगे. और इसका थ्योरम जो थ्योरम में हमने पढ़ा था वो लिखेंगे कि एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड इन ए ट्रायंगल आर इक्वल. इक्वल साइड के अपोजिट जो एंगल होता है वो हमारा इक्वल होगा. ओके, इसका हमने रीजन दे दिया है, दो चीज हमारी इक्वल होगी. अब थर्ड, जो हमारा ये एंगल ए सी बी और ए बी सी, ये दोनों इक्वल एंगल होंगे. अब अगर हम इसका हाफ करेंगे, दोनों का हम हाफ लिख सकते हैं, तो हम लिखेंगे इन दोनों को हम हाफ करेंगे. मीन्स टू से डिवाइड करेंगे. हाफ ऑफ एंगल ए सी बी इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल ए बी सी, इसको हम लिख सकते हैं. दोनों साइड टू से डिवाइड किया तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा. अब इसका अगर हमने हाफ किया तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ओ बी सी, ये वाला हो जाएगा इसका ए बी सी का हाफ. और ए सी बी का हाफ क्या हो जाएगा, एंगल ओ सी बी. तो एंगल ए सी बी का हाफ हो जाएगा एंगल ओ सी बी, और ए बी सी का हाफ हो जाएगा एंगल ओ बी सी. सो इसको हम लिख सकते हैं ऐसे. तो ये दोनों अगर एंगल हमारे इक्वल हो गए तो ये कौन सी ट्रायंगल लेंगे हम, ओ बी सी ट्रायंगल लेंगे. सो लेंगे हम इन ट्रायंगल ओ बी सी. ओ बी सी इन दोनों ट्रायंगल में हमारे, अगर ये वाला एंगल ओ सी बी, ओ सी बी ये वाला एंगल, और ओ बी सी ये वाला एंगल, अगर ये दोनों हमारे एंगल इक्वल हैं तो इनके अपोजिट साइड इक्वल हो जाएगी. इसके अपोजिट क्या है, ओ बी, और इसके एंगल बी के साइड वाली कौन सी है, ओ सी. तो दोनों को हम इक्वल प्रूव कर देंगे. हम लिखेंगे यहाँ पे ओ बी इज इक्वल टू ओ सी, क्योंकि ये अपोजिट साइड ऑफ एंगल इक्वल है. और इसका रीजन यही दे देंगे, साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स इन ट्रायंगल आर इक्वल. हमने अभी अभी ये थ्योरम पढ़ी थी, मैंने आपको
लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था इन प्रॉपर्टी के बारे में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, सारी प्रॉपर्टी वहां पे करवाई हुई है, क्योंकि इस एक्सरसाइज में मेन उन्हीं का यूज होगा। तो ये हमारा ओ बी इक्वल टू ओ सी आ गया और यही हमें प्रूव करना था। अब हम करते हैं इसका सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट में हमारा दिया हुआ है ए ओ बाइसेक्ट एंगल ए, हमें प्रूव करना है ये जो ए ओ ये वाली जो लाइन है ये एंगल ए को बाइसेक्ट करनी है। इसके लिए हम प्रूव करेंगे तो हमें इसको बाइसेक्ट करना है तो हम कौन सी ट्रायंगल लेके चलेंगे, ओ ए बी ये वाली ट्रायंगल और सेकंड कौन सी लेंगे ओ ए सी, ये जो दोनों ट्रायंगल है इन दोनों को हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे तो फिर हम इसको इजिली कर सकते हैं कन्वर्स से। सो हम लिखेंगे इन ट्रायंगल ओ ए बी एंड ट्रायंगल ओ ए सी, दोनों ट्रायंगल मिलेंगे। कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए हमारे पास तीन चीजें कम से कम होनी चाहिए, तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे दोनों में क्या दे रखा है, दोनों ट्रायंगल में ए बी और ए सी ये हमने स्टार्टिंग में दे रखा था, हमारा इक्वल है, हम यहाँ पे भी लेके चले थे। तो लिखेंगे ए बी इक्वल टू ए सी, लिखेंगे गिवन। एंड सेकंड वन दोनों में कॉमन क्या है हमारा, ओ ए लाइन, तो लिखेंगे ओ ए इज इक्वल टू ए ओ, कॉमन सेकेंड चीज होगी। एंड थर्ड हमने अभी अभी क्या प्रूव किया, ओ बी इक्वल टू ए सी, ओ बी और ए सी इक्वल है, ओ बी इक्वल टू ओ सी, इसमें लिख देंगे हम प्रूव्ड अबोव, इन सबने अभी भी प्रूव किया। सो दोनों ट्रायंगल हमारी क्या होगी, सो ट्रायंगल ओ ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ओ ए सी, दोनों ट्रायंगल हमारी कॉन्ग्रुएंट हो गई। अगर दोनों हमारी कॉन्ग्रुएंट हो गई तो हमारा जो एंगल है ओ ए बी ये वाला एंगल, एंगल ओ ए बी ओ ए बी और एंगल ओ ए सी दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। रूल क्या लिखेंगे, सी पी सी टी से, सो एंगल ओ ए बी इज इक्वल टू एंगल ओ ए सी, रीजन लिख देंगे सी पी सी टी से। अगर ये दोनों हमारे एंगल इक्वल हैं मीन्स ओ ए इसको बाइसेक्ट कर रहा है, क्योंकि बाइसेक्ट करेगा तभी तो दोनों एंगल इक्वल होंगे। सो हम यहाँ पे लिखेंगे सो ओ ए बाइसेक्ट एंगल ए, किसी भी एंगल का जो बाइसेक्टर होता है वो उसको टू इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। सो हमारा हो जाएगा ओ ए बाइसेक्ट एंगल ए। सो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, अब हम करते हैं सेकंड क्वेश्चन। नाउ हमारा क्वेश्चन नंबर टू है इन ट्रायंगल ए बी सी, ए डी इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बी सी, ये ट्रायंगल है हमारा ए बी सी, इसके अंदर जो हमारा ए डी दे रखा है इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो गया बी सी का, मीन्स ये एंगल कितने का बनेगा 90 डिग्री का। शो दैट ट्रायंगल ए बी सी इज एन आइसोसेल्स ट्रायंगल इन विच ए बी इक्वल टू ए सी, हमें क्या शो करना है, ये जो ट्रायंगल ए बी सी है ये हमारी क्या है, आइसोसेल्स ट्रायंगल, जिसके अंदर हमारी ए बी और ए सी ये दोनों साइड क्या होंगी, इक्वल होंगी। सो प्रूव करेंगे हम इसको प्रूव करने के लिए हम दोनों ट्रायंगल लेके चलेंगे, ट्रायंगल ए बी डी ये वाली ट्रायंगल और ए डी सी, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे, फिर ये बाय सी पी सी टी से हो जाएगा। तो दोनों ट्रायंगल लेके चलेंगे, सबसे पहले लिखेंगे हम इन ट्रायंगल ए ए डी बी और ए डी सी, ए डी बी एंड ट्रायंगल ए डी सी, दोनों ट्रायंगल में हम क्या दिखा दे रहा है हमें, ए डी सबसे पहले तो ए डी दिख रही है, कॉमन है दोनों में, तो हम इसमें लिखेंगे ए डी इज इक्वल टू ए डी, ये क्या है कॉमन है। एंड सेकेंड थिंग हमारी ये जो एंगल है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एडीस पे, तो ये वाला है और ये वाला दोनों क्या होंगे हमारे 90 डिग्री के होंगे, एंगल ए डी बी और ए डी सी 90 के होंगे, एंगल ए डी बी इज इक्वल टू एंगल ए डी सी इक्वल टू 90 डिग्री, रीजन क्या देंगे ए डी परपेंडिकुलर टू बी सी, ये जो ए डी है परपेंडिकुलर बी सी पे है, ये हमारा परपेंडिकुलर का साइन है, ओके। एंड थर्ड वन ये हमारे क्या हो जाएगा, ए डी अगर हमारा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है मीन्स इन दोनों को क्या करेगा, इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा, सो हमारी बी डी और डी सी इक्वल हो जाएंगे, बी डी इज इक्वल टू डी सी, दोनों इक्वल हो जाएंगे, रीजन दे देंगे ए डी इज बाइसेक्टर ऑफ बी सी, ओके। इस बी सी का ए डी हमारा बाइसेक्टर हो जाएगा तो ये हमारे इक्वल हो जाएंगे दोनों। सो हमारी तीन चीज इक्वल हो गई तो हम इसको क्या कर सकते हैं, कॉन्ग्रुएंट लिख सकते हैं दोनों को,
सो हम इसको लिखेंगे ट्रायंगल एडीबी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल एडीसी। ओके, ये दोनों अगर हमारे दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गई तो हम क्या लिख सकते हैं इसके अंदर, एबी और एसी ये दोनों हमारी क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी किससे, सीपीसीटी से। सो एबी इज इक्वल टू एसी, रीजन दे देंगे बाय सीपीसीटी, क्योंकि अगर दो ट्रायंगल हमारे कॉन्ग्रुएंट होंगी तो उसकी इक्वल कॉरेस्पॉन्डिंग साइड क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। सो हम रीजन लिखेंगे, अगर हमारी दोनों साइड इक्वल है एबी और एसी तो इसका रीजन हम क्या देंगे, ए बी और एसी इक्वल हो जाएंगी तो ये क्या हो गया, आइसोसेल्स प्रूव कर सकते हैं हम इसको, क्योंकि दोनों साइड इक्वल हो गई और आइसोसेल्स में क्या होता है, दो साइड इक्वल होने चाहिए। सो हम लिखेंगे हंस ए बी सी इज एन आइसोसेल्स ट्रायंगल इन विच ए बी इज इक्वल टू ए सी, कि एबीसी एक आइसोसेल्स ट्रायंगल है जिसके अंदर हमारा एबी और एसी इक्वल हैं दोनों। ओके, सो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर टू, आई होप यू अंडरस्टैंड वेल, इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज आस्क इन कमेंट सेक्शन। सो हियर इज कंप्लीट अवर टुडेज वीडियो एंड इन अवर नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टडी अबाउट क्वेश्चन नंबर थ्री, आई होप। एंड फॉर मोर वीडियोज प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस बेल आइकन फॉर लेटेस्ट वीडियो।